नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मेलगांव में हुए गैंगरेप के दो आरोपी गिरफ्तार, तीन फरार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मेलगांव में पिछले माह एक किशोरी से पांच लोगों ने गैंगरेप किया। इस घटना का जिक्र डर के मारे किशोरी ने अपने घर वालों को नहीं बताया, लेकिन किसी वजह से किशोरी की माँ को यह बात पता चली। वह तत्काल उक्त किशोरी को लेकर विश्वविद्यालय थाने पहुंची। पुलिस द्वारा किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, उस पर पांच लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा कायम किया तथा रात्रि में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं तीन लोगों की तलाश की जा रही है। तो परसों हमारे विश्वविद्यालय थाना में एक माँ आई थी, महिला फरियादी। उनका ये कहना था कि उनके बेटे जो बेटी है, नाबालिग है, उनके साथ एक महीने पहले गैंगरेप हुआ है। वो जो बिटिया है उन्होंने घर पे नहीं बताया था, लेकिन उसकी मम्मी को पता चल गया था। जब उन लड़कों के साथ उनका वाद विवाद चल रहा था तो उन्होंने कहा कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है एक महीने पहले। तो हमने इमीडिएटली FIR दर्ज कराया, मेडिकल कराया और स्टेटमेंट लिया। 164 के लिए भी हमने उनको भेजा और परसों था एक मुकदमा हुआ था और कल हमने दो आरोपी पकड़ा है। तीन थे टोटल, तो एक है फरार, अभी उनको भी पकड़ लेंगे हम।